नहीं है। करेक्ट, हाँ वो उसमें बता रहे कि वो लिंक आएगी। उसमें लिंक आएगी और वो जो लिंक होगी वो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की होगी, जो आपको डाउनलोड करना है और ठीक है डाउनलोड करके उसमें फोटो अपलोड करने का होता है, अपने बारे में दो चार लाइन लिखना है और ठीक है उसके बाद जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसका पोस्टल पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप क्राइम ठीक फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। राइट, है आपका जो है उस ऐप को आप खोलेंगे जो कि कुटुंब ऐप के हाँ द्वारा एम्पावर्ड है, उसके अंदर क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप बैठा हुआ है, उसको आप ठीक खोलेंगे तो जो जैसे ही आप जो है सबसे नीचे दाहिनी तरफ देखेंगे तो वहाँ प्रोफाइल है, प्रोफाइल को खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देगा, उसके ठीक नीचे है शेयर ऑन व्हाट्सएप है अच्छा तो उसको शेयर ऑन व्हाट्सएप को क्लिक करिए तो आपका जी व्हाट्सएप खुल जाएगा और उसमें जो ऐप के द्वारा जनरेटेड मैसेज की ये ऐप है इसको डाउनलोड करें, ये मैसेज जो है आपकी लिंक के साथ जो है आपको जी फिर जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हों चाहे ग्रुप में हों चाहे इंडिविजुअल्स हों, बिना इस जी बात को ध्यान दिए हुए कि वो आपका दोस्त है या दुश्मन है क्या है, उस जी ठीक सबको भेज देना है। ठीक है ना, फिर है आपको 10 लोगों की ऐसी सूची बनाना है जो आपको लगते हैं कि जिनमें एनर्जी है वो महापरिवर्तित भारत को चाहते हैं। राइट, यदि आप ऐसा करते हैं तो उसको जो है ना फिर आपको एक एक करके फोन लगाना है और उसको कहना है कि अभी हमने आपको व्हाट्सएप भेजा है उसे खोलिए। राइट, और इस उसमें लिंक है उसको क्लिक करिए, अपने सामने लिंक को क्लिक कराइए, अपने सामने जो है ना उसका फोटो अपलोड कराइए धैर्य के साथ और अपने बारे में 4 लाइन लिख के जैसा आपने किया है वैसे ही वो करेगा और आप अपने ऐप में खोल के देखेंगे तो उसका नाम अपने आप आ जाएगा, इसका मतलब है वो आपसे झूठ भी नहीं बोल पाएगा। ठीक है, हाँ उसके बहुत बाद अच्छे इसी तरीके से उसे व्हाट्सएप पे सबको शेयर करना है, इसी तरीके से 10-10 लोगों को बनाना है, यदि हम जी ऐसा करेंगे तो मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, जी मात्र बहुत नौ अच्छे दिन में, मात्र 9 दिन में। और हाँ जो जी 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें सांसद का टिकट अपने आप पहुंच जाएगा, तो और जो 82 लोग बेसिकली 543 का 15% जो है संविधान की व्यवस्था के अनुसार केंद्रीय मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो अरे जो बहुत 82 लोग सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो मंत्री बन जाएंगे। तो अभी तो आप देखो बनिए परेशान है कि हमें कोई टिकट नहीं दे रहा है, अब आपको बिल्कुल किसी नहीं, से टिक सवाल में तो सही नहीं है नहीं, आप ये बताइए किसी से आपको टिकट मांगना पड़ेगा यदि आप इसी में पीछे बिल्कुल पड़ जाए तो, हाँ बिल्कुल नई चीज है यदि आप जो है इसी में पीछे पड़ जाए तो आपको केंद्रीय मंत्री बनने से कोई रोक सकेगा, कोई नहीं रोक सकता तो फिर हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए जब हमें 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत भी मिल रहा जी है, हमें टैक्स मुक्त जी भारत मिल रहा है, कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है, नियम कानून की आत्मा बदल दी जा रही है, तो जी फिर बिल्कुल हमें ये छोटा सा उपाय पूरी शक्ति के साथ क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं अच्छी चीज है अच्छा सुझाव है ये और ये प्रयास भी अच्छे हैं ये हाँ, और दूसरी बात यह है कि इसे जन जन तक केवल मोबाइल के माध्यम से ना पहुंचाकर यदि मैथिली शरण गुप्त चारों तरफ निकलेंगे तो जी उसका हाँ जो है असर पड़ेगा। राइट, तो जी बिल्कुल उसमें जो आर्थिक सहयोग दे सकते हो वो भी दो जिससे कि उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए कोई रथ वगैरह बना के सब मैथिली शरण गुप्त निकलें और सब तक वो बात पहुंचाएं, और जो अनुकूल परिवर्तन है वो आ जाए। ये बताइए इन राजनेताओं ने आपके ऊपर कौन सा नियम कानून थोप के रखा है, बिल्कुल सही बात यहाँ तो कुछ है ही नहीं समाज में गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं जो जी अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे, वही जी हाँ जी प्रशासनिक व्यवस्था और वही जो है सब चीज है लाटसाबी व्यवस्था है जो आपकी सुनवाई नहीं करती है, तो जी हाँ ये व्यवस्था में परिवर्तन सब आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो सकेगी, झूठी जी हाँ एफआईआर दर्ज कराने में सख्त कार्रवाई होगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा और जी हाँ जी अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट जाए क्राइम फ्री भारत के वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से ट्रायल हो जाएगा, तो आपकी जी हाँ जी बताइए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हाँ हाँ नहीं बहुत अच्छा और आने वाली पीढ़ी को भी थोड़ा सा अच्छा अच्छा भारत एक मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा और आप ये बताइए इसमें आपका जा क्या रहा है।
नहीं कुछ नहीं जा रहा भाई, मोबाइल से आपको थोड़ा कनेक्ट करना लोगों को, और सारे हाँ लोग मेरे ख्याल से सब ग्रुप से जुड़े रहते हैं, कोई ना कोई ग्रुप सबके पास है। नहीं उसको वैसे कर नहीं करना, अभी तो सब आपने ग्रुप में डाल दिया, फिर 10 लोगों की जी आप जी सूची बनाइए जिनमें ज्यादा हाँ, एनर्जी कहने से है। तात्पर्य मेरा यही है कि सारे ग्रुप में से अपन जो अच्छे लोग हैं जिनको अपन को समझ सकते हैं कि आज ये कर सकते हैं, है ना, अपन उनको जोड़ लें। उसमें भी मेरा सोचना है कि ग्रुपों में खोजने की बजाय सबसे पहले अपने परिवार पे जाइए, फिर जी हाँ जी अपने रिश्तेदारों पे जाइए, फिर अपने जी हाँ मित्रों जी पे जाइए, फिर अपने जी पड़ोसियों जी पे जाइए, फिर अपने आसपास के अच्छे युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों पे जाइए, फिर उन जिन उन संस्थानों से आप जुड़े हुए हैं उन पे जाइए, पर जाइए तो बहुत अच्छा। इवन जिनके आप एम्प्लॉई हैं या जो आपके एम्प्लॉई हैं उनके उनको देखिए, तो आपको जो है ना एक दिन में 10 अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे। अरे आराम से मिल जाएंगे, और प्रयास करने में सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, और इसमें एक चीज अपन को ये भी देखना पड़ेगी कि हम बड़ी आसानी से अपने देश को बदल पाएंगे और हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र पैदा कर पाएंगे। बताइए, इसमें हाँ सभी पार्टियों के लोग जो है लोगों को जोड़कर यदि इसी तरीके से 10-10 जोड़ेंगे तो इन पार्टियों के लोगों के पास भी टिकट अपने आप पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? आराम से आराम से इन आराम पार्टी से के लोगों के पास भी जो है मंत्री बनने का मौका है कि नहीं है? और जी, हम बाकी हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? जी हाँ जी, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं बस वो मैं वही आपसे जानना चाह रहा था, मेरा नाम दीपक तीर्थ जी, दीपक? तीर्थ बिलासी, तीर्थ नहीं, आपका सरनेम समझ में नहीं आया। बिलासी गुप्ता है आप क्या? मेरा वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि थोड़ा सा आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम मैथिली शरण गुप्ता है, मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, मैथिली शरण गुप्त नाम लिखता हूँ, और गुप्ता कौन से साहब आप? गहोई बरिया हूँ, और तो झांसी। वही वही तो मैं आप आंकने नहीं समझ पा रहे, मैं वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप चूंकि सामाजिक हैं हाँ हाँ इसीलिए मैं आपको आंकना बता रहा हूँ, नहीं तो मैं भी आपको गुप्ता ही बताता, अच्छा हाँ है ना। मेरा हाँ नाम दीपक तीर्थ बिलासी, सामाजिक अच्छा स्तर पर है ना, वैसे दीपक गुप्ता लिखता हूँ मैं अच्छा ओके ओके। जी। आप कहाँ से हैं? आप रहने वाले कहाँ के हैं? जबलपुर, जबलपुर भाजपा के, मैं डिस्ट्रिक्ट झांसी का रहने वाला हूँ और झांसी आईपीएस का ऑफिसर हूँ, फॉर्मर जी। अभी डायरेक्टर जनरल वर्तमान में ऑफ, कहाँ पर है साहब? मैं भोपाल में हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी चीज ठीक तो है दीपक तो जी, पूरी मेहनत जी लगाइए तब काम बनेगा, नहीं तो ये दुष्ट राजनेता आपको जो है मूर्ख बनाकर आपके ऊपर जी दुष्टों को थोपते रहेंगे। आज आपके राजनेता कौन है? अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुश्चरित्र, बिल्कुल अपराधी, बिल्कुल और बिल्कुल ये जीतने के लिए भी अपराध कर रहे हैं। तो दारू बांटना, हाँ साड़ी बांटना अपराध है बस कि नहीं है? वो तो अपन देख ही रहे साहब, उसमें ये अभी जिस समय चल रहा वर्तमान में जो स्थिति है वो अपन अब यही अपन रहेगी तो आने वाले समय में तो कुछ भी नहीं बचेगा, हाँ, मेरे ख्याल से हम लोग उस कगार पे पहुंच चुके हैं। पहुंच चुके हैं तो जी हम जी जी लोग जो है विशेष तौर पर हम सब लोगों को इतना सरल उपाय बता दिया है, सत्यनारायण की जी हाँ कथा जी जैसा, कि सबका कल्याण हो जाएगा। तो ये जी हाँ सत्यनारायण कथा रूपी जो है ना उपाय, इसका पालन जी हमें जी पूरी शक्ति से तत्काल कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है, इसमें हम प्रयास करेंगे साहब कितना अच्छा बेस्ट कर सकें अपन। तो अभी मैं आपको लिंक लिंक आपके पास ऑलरेडी पहुंची होगी, नहीं तो मैं अभी लिंक आपको भेज देता वो तो हूँ। उसमें आपका वो लिंक उसको खोला था तो उसमें शायद कुछ था, अभी मैंने देखा नहीं है बहुत अच्छे से। जी उसको आप ध्यान से देखो, हम अलग से SMS से लिंक भेज देते हैं, और आप जी टेलीग्राम ऐप का यूज नहीं करते हैं तो उसे भी डाउनलोड करके टेलीग्राम के मेन ग्रुप से भी जुड़ जाइए, अपराध मुक्त भारत मिशन ठीक के। ठीक आप और आप चलिए आप पूरी शक्ति लगाइए, जी जी चलिए। थैंक यू, नमस्ते। ओके जी, नमस्कार नमस्कार।